गुड मॉर्निंग। तो आज 11.5.6 एक्सरसाइज करनी है। 5.6 के अंदर कहता है कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो जहां पे जो है हमारे पास क्या है, आयोडा जो है पहले दिया गया है। ये क्या दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस में 8 आयोडा x और माइनस में 16 इक्वल टू 0, इसको लेकर चलते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर देखिए आयोडा है इसके अंदर, और इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बी के अंदर जो होता है इसको हम डिवाइड करते हैं टू फैक्टर के अंदर। जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, 16 के, देखिए 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और अगर 4 प्लस 4 हम ऐड करते हैं तो ये रहेगा 8। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 4, तो ये x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा एक्स प्लस सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा 4 आयोटा एक्स, और ये माइनस 16 इक्वल टू 0 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस का 4 आयोटा एक्स है प्लस 4 आयोटा एक्स है। इस माइनस 16 को हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस जो है इसको हम प्लस कर देते हैं, और 16 इंटू क्या करती है आयोटा स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। तो ये माइनस हो जाएगा वापस 16। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसमें से और इनमें से, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स यहाँ बचता है एक्स प्लस 4 आयोटा, और प्लस इसमें से क्या कॉमन है, 4 आयोटा इसमें भी है, 4 आयोटा इसमें भी है, यहाँ से 4 आयोटा बाहर निकाल लिया, यहाँ पे भी कितना बचेगा एक्स प्लस 4 आयोटा। तो दोनों हमारे पास x प्लस 4 आयोटा आते हैं, x प्लस 4 आयोटा ये, x प्लस 4 आयोटा ये है, इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ से भी कितनी है, ये माइनस का 4 आयोटा। तो ये दोनों इसके आंसर है, इस तरह से जो आपको ये सम करना है। तो देखिए सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर क्या कहते हैं, x स्क्वायर माइनस 5 आयोटा x और फिर माइनस में 6 है इक्वल टू 0 है। और देखिए इसके फैक्टर हम बढ़ाते हैं तो क्या क्या बनेगी, x स्क्वायर है इसको हम किस किस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 इंटू 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। हमारे पास दोनों चीज़ें 5 की, 5 2 माइनस का है, यहाँ पे हम ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा एक्स और माइनस का 2 आयोटा एक्स। ये जब माइनस माइनस ऐड होंगे तब जाके हमें माइनस मिलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस 3 माइनस 2 देगा माइनस का 5 आयोटा एक्स, और आगे ये माइनस 6 है इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा एक्स माइनस का 2 आयोटा एक्स, इस माइनस को हम प्लस कर देते हैं और 6 के मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर कर दिया, उसी तरह से इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ से एक्स कॉमन है, यहाँ बचेगा एक्स माइनस का 3 आयोटा, और इसमें से क्या कॉमन है, माइनस का 2 आयोटा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस का 3 आयोटा। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 आयोटा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 3 आयोटा। ये दो फैक्टर हो जाती हैं, आप दोनों फैक्टर को जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू एक तो आएगी 2 आयोटा, इसको लेकर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 आयोटा। तो ये इसकी आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है कि इसके अंदर कहता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व करना है। पीछे भी वो सॉल्व किए थे कि क्या कहता है, पहला तो दिया गया है कि x स्क्वायर सेकंड सम के अंदर x स्क्वायर माइनस में आयोटा x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसकी क्वेश्चन फॉर्म में अल्फाबेट है, जो इसकी फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय किसके होता है 2a से डिवाइड होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या, हमारे पास माइनस का आयोटा है, तो माइनस आयोटा रख दिया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कितना आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है, और डिवाइड बाय 2a, यानी 2 इंटू ए, ए की वैल्यू जो है वो 1 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल 20 माइनस का 24 और डिवाइड बाय होगा 2। ये क्या हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और माइनस 24 हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाय 2 है। तो ये आयोटा तो है ही बार, प्लस माइनस 25 किसका रूट होता है 5 का,
और माइनस का रूट हो जाएगा आयोटा और डिवाइड बाय 2। एक बार तो हम इसको प्लस ले लेते हैं तो आयोटा प्लस 5 आयोटा बाय 2 और एक बार माइनस ले लिया आयोटा माइनस 5 आयोटा बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 आयोटा बाय 2 और यहां से बचेगा माइनस का 4 आयोटा बाय 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 पे कैंसिल होगा यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा और यहां से इसको 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। तो माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा ये दोनों इसके आंसर है। तीसरे से जो है सारे समीकरण जो इसका फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, सेकंड सम है इसके अंदर फोर्थ पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स प्लस 9 आयोटा और माइनस में 3 और ये इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये इसकी पूरी बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड बाय 2a। तो माइनस बी यानी ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस हो 3 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस में 4ac यानी 4 इंटू ए, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू ये है टोटल 9 आयोटा माइनस में 3, ये पूरा रूट के अंदर है और इसके नीचे डिवाइड बाय 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा कि 3 प्लस 7 आयोटा था, ये प्लस माइनस एडिटिव हो गया अंडर रूट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 आयोटा और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जाए 8 और 8 ब्रैकेट में हो जाएगा 9 आयोटा माइनस में 3। अब डिवाइड बाय कितना है ये 4, यहाँ पे कितना है 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 9 का 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का होती है माइनस 1, तो 49 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस का 49 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21 और 21 2 जा हो जाएगा 42 आयोटा, फिर माइनस में अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 72 आयोटा और फिर ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस दोनों प्लस और ये हो जाएगा 24 और इसके डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे 4 है तो ये बाहर कितना है 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। इसको माइनस करते हैं 49 में से 9 गया यहाँ हो जाएगा माइनस का 40 प्लस यहाँ पर भी माइनस करते हैं तो 2 में से 2 गया यहाँ हो जाएगा कितना 0 और 7 माइनस 4 हो गया ये 30 यानी माइनस का 30 आयोटा और प्लस का 24 और डिवाइड बाय कितना है इसके नीचे 4 है तो 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। इसको आगे सॉल्व करेंगे नहीं ये माइनस की है ये प्लस का 24 है, जब इन दोनों में से माइनस करते हैं यहाँ बचेगा कितना 6 और यहाँ बचेगा 3 3 माइनस 2 का 1 यानी माइनस का 16 और माइनस का कितना है 30 आयोटा में डिवाइड बाय 4 है। तो ये हो गया, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये इसके रूट है, अभी सॉल्व होगा नहीं तो यहाँ तक इसको छोड़ना है।